इस वीडियो में गाइस हम लोग जानेंगे कि वर्चुअल बॉक्स में हम कैसे काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस आपको यहाँ पे आप जो लिंक देख पा रहे हो, इस लिंक पे सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा। इस लिंक पे जाने के बाद आपको इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको काले लिनक्स वर्चुअल वीएमआर इमेज दिखेगा एंड काले लिनक्स वर्चुअल बॉक्स इमेज दिखेगा। तो इन दोनों में से आपको काले लिनक्स वर्चुअल इमेज में क्लिक करना होगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे काले लिनक्स वर्चुअल बॉक्स इमेज पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद गाइस आपको काले लिनक्स वर्चुअल बॉक्स 64 बिट OVA पर आपको क्लिक करना होगा। तो काले लिनक्स वी बॉक्स 64 बिट OVA फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तब आपका ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे गाइस आप देख पा रहे हो कि ये अभी डाउनलोड होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। तो मैं ये पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। गाइस इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको यहाँ पे ओपन करना। तो गाइस डाउनलोडेड फोल्डर को ओपन करने के बाद जहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हुआ है वहाँ पे आपको ये दो फाइल आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें से सबसे पहला जो है इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। तो गाइस डबल क्लिक करने के बाद गाइस ये वर्चुअल बॉक्स जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे सिंपली इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस अब ये इंपोर्ट हो रहा है। तो गाइस सक्सेसफुली इंपोर्ट होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे काले लिनक्स वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया है। तो सबसे पहले हम इसका सेटिंग्स को चेंज करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग को क्लिक करते हैं। तो जब आप सेटिंग में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस बॉक्स में से आपको सिस्टम में सबसे पहले जाना है एंड सिस्टम में जाने के बाद आप यहाँ से इसका आप जो रैम फिक्स करना चाहते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जितना रैम आप फिक्स करना चाहते हो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2048 MB रैम सिलेक्ट किया हुआ है तो मैंने इसके लिए 2 GB रैम यूज़ करूँगा। इसके बाद गाइज आप प्रोसेसर पे जब क्लिक करोगे तो आप यहाँ से प्रोसेसर को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास 4 CPU है, मेरे पास ये 4 कोर वाला CPU है। तो मैं यहाँ इसको 2 कोर दे रहा हूँ, मतलब काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं 2 कोर यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। ओके, इसके बाद गाइज आप यहाँ पे नेटवर्क पे जाना एंड नेटवर्क पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नेट नेटवर्क को क्लिक करना है। गाइस नेट नेटवर्क आपके यहाँ पे ब्लैंक भी आ सकता है, यहाँ पे जब आप नेट नेटवर्क पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ब्लैंक भी आ सकता है। बट इसके लिए सबसे पहले आपको टूल्स पे जाना होगा। तो अभी इसको कैंसिल कर देते हैं एंड टूल्स पे जाते हैं। टूल्स पे जाने के बाद आपको प्रेफरेंस पे जाना है एंड गाइस प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करना है। एंड नेटवर्क में जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो मेरे यहाँ पे आपको नेट नेटवर्क दिख रहा है बट आपके यहाँ पे पूरा क्लियर एक स्क्रीन आएगा। जैसे तो क्लियर स्क्रीन जब आपके पास आएगा तो उस टाइम आपको यहाँ पे प्लस जो आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए गाइस यहाँ पे एक नेट नेटवर्क क्रिएट हो गया। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही है, तो मैं इसको रिमूव कर दिया। तो गाइस ऐसे आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नेट नेटवर्क एक ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद गाइस फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं सेटिंग पे एंड सेटिंग पे जाने के बाद जब आप यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करोगे एंड नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जब नेट नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेट नेटवर्क को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो सक्सेसफुली जो सेटिंग है ये हो गया है। तो गाइस अभी जान लेते हैं कि नेट नेटवर्क बेसिकली क्यों सिलेक्ट किया जाता है। तो गाइस आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये जो होस्ट मशीन है ये मेरा मेन कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर को मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मेरा आप देख पा रहे हो जिसमें मेरा विंडोज इंस्टॉल है। ठीक है, वो मेरा मेन कंप्यूटर है। तो ये है मेरा होस्ट मशीन जो मेरा मेन कंप्यूटर है एंड ये होस्ट मशीन एक इथरनेट केबल के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो ये मेरा होस्ट मशीन है एंड मैं इसके अंदर वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किया, जो मैंने वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया ना, तो ये वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर है जो मैंने इंस्टॉल किया एंड इसके अंदर मैंने वर्चुअल मशीन 1 मतलब इसके अंदर मैंने एक काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया। तो इसके अंदर मैंने क्या इंस्टॉल किया, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया जो जिसके अंदर मैंने एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया जिस जो है काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इस वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल किया। तो अगर मैं ये जो मैंने वर्चुअल मशीन है ये मेरे पास, अगर मैं इसको भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं नेट नेटवर्क का यूज़ करता हूँ।
तो नेट नेटवर्क को यूज़ करके मैं इसका जो नेटवर्क कनेक्शन है, मेरा जो मेन कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा मेन कंप्यूटर है, मैं इसके इससे इस मशीन तक, मतलब ये मेरा वर्चुअल मशीन है जो जो जिसके ऊपर मैंने काली लिनक्स को इंस्टॉल किया, इस मशीन तक मैंने एक वर्चुअल कनेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, एक वर्चुअली एक इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप नेट नेटवर्क को सिलेक्ट करते हो तब आप होस्ट मशीन से आपके वर्चुअल मशीन ने जो है उसमें कनेक्शन बन जाता है। तो गैस अभी इस काली लिनक्स को ऑन करके देख लेते हैं, एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं काली लिनक्स जीएनयू लिनक्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो सारा स्टेप फॉलो करने के बाद गाइस आपके सामने जब ऐसा स्क्रीन ओपन होगा तो यहाँ पे आपको यूजर नेम पे देना है रूट ROT एंड यहाँ पे नेक्स्ट करके यहाँ पे आपको पासवर्ड में डालना है TOR। तो इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हो कि आपके सामने काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो गया है।